चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है। और ये चारा चोर, गोबर चोर, ये लोग क्या बात करेंगे यार। पहले ये लोग चारा खाए थे, अभी मैं गया था छत्तीसगढ़ में, पता चला गोबर खा गए सब वहाँ। मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि मोदी जी की नीयत क्या है। और ये चारा चोर, गोबर चोर, ये लोग क्या बात करेंगे यार। अभी तो मतलब ये लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहले ये लोग चारा खाए थे, अभी मैं गया था छत्तीसगढ़ में, पता चला गोबर खा गए सब वहाँ। तो ये क्या बात करेंगे। मोदी जी से लड़ने की इन लोगों की औकात नहीं है। मोदी जी की नीयत है कि देश के लिए काम करेंगे, पूरे देश को अपना परिवार समझ के काम करेंगे। तो ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। मोदी जी ही फिर जीत के आ रहे हैं। तेजस्वी ने गा के बताया तो अभी गा, अच्छा हम भी गा के बता दें कि चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है। अब तेजस्वी यादव भी सुन लें, और लालू यादव जी भी सुन लें, और अखिलेश यादव जी भी सुन लें, और केजरीवाल जी भी सुन लें कि एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। जितना ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं सब जेल जाएंगे। जो इनका इंडी गठबंधन है, इंडी के सभी लुटेरे जेल में जाएंगे, इनको कोई भी बचा नहीं पाएगा। और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे 100%। मुझे लगता है कि देखिए, उनको भी पता है कि आजमगढ़ जो है वो भाजपा का गढ़ बन चुका है। उसके पीछे कारण ये है कि 2019 में जब मौका मिला था अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ में वो कुछ कर नहीं पाए और छोड़ के चले गए। फिर धर्मेंद्र यादव आए थे 22 में, वो हार के चले गए। हम लोग 19 में हारे तब भी यहीं रहे, और 22 में जीते तब भी यहीं रहे, और यहाँ रह के हम लोगों ने काम किया। एक सांसद जितना एक साल में अपनी निधि लाता है, उसके कई गुना ज्यादा तो हम खाली यहाँ के गरीबों का इलाज करवा चुके हैं। एक साल में 12 करोड़ रुपया तो सिर्फ गरीबों के इलाज के लिए आजमगढ़ आ चुका है। इसके बाद आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बन रहा है। ये सारा जो काम है एक साल के अंदर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आजमगढ़ के विकास के लिए जो नींव रखनी थी महायोजना की, वो भी हम लोगों ने लागू करवा लिया कि 3 दिन आने वाले नेता आजमगढ़ को नहीं चमका पाएंगे, जो 300 दिन रहता है वही काम कर पाएगा, क्योंकि जनता हमसे मिल लेती है, हमको अपनी बात बता देती है, और फिर वो हम सरकार तक पहुंचा देते हैं। तो सरकार के बाहर रह के भी आजमगढ़ ने देखा है, और एक साल सरकार के साथ रह के भी देखा है। तो सरकार के साथ रह के कितना आजमगढ़ का विकास हुआ है ये जनता जान चुकी है, और ये धर्मेंद्र यादव भी जान चुके हैं, इसलिए उनको यहाँ से उम्मीद भी नहीं है। तो 3 दिन आए थे, एक कोरम पूरा किया और चले गए। उनको भी पता है कि